मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है अहमदाबाद की शादियों और न्याजों का फेमस तुअर की दाल का पुलाव और गोश्त वाली तुअर की दाल। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसे ट्राई करते हैं और ये अच्छी बनती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। तुअर की दाल का पुलाव बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम तुअर की दाल ली, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, और 400 ग्राम बासमती राइस लिए। दोनों मिला के लगभग 500 ग्राम है। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए अच्छे से धो के भिगो दिया था। ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, 2 तेज पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 3 लौंग है, 8-10 काली मिर्च है, 1 स्टार फूल है, 2 तज के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून जीरा है। ये मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसको काट लिया। ये हरी मिर्च है, ये फ्रेश हरी मिर्च है, जो लाल और हरी दोनों तरह की है। आपके पास अगर एक अवेलेबल हो तो आप एक भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 1 टीस्पून नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। हमने 500 ग्राम दाल और चावल लिए तो 500 ml पानी लिया। अगर आप गिलास से नापें तो 2.25 गिलास दाल और चावल है तो 2.25 गिलास ही पानी लें, क्योंकि दाल चावल भिगे हुए हैं और हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में थोड़ा पानी कम ही लगता है, और अगर आप खुला बनाते हो तो थोड़ा पानी ज़्यादा ले लें। गैस के ऊपर मैंने एक कुकर को रखा है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के अंदर सारे खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। मसालों को बराबर से तड़कने देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में पानी भी डाल देंगे। और नमक भी डाल देंगे। पानी के अंदर हमें एक बॉईल लाना है। पानी में बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें दाल और चावल ऐड करेंगे। दाल और चावल को बराबर से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे हमें इसमें 1 सीटी लगानी है। ये देखिए 1 सीटी हो चुकी है। 1 सीटी होने के बाद 2 मिनट के लिए हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और 2 मिनट के लिए पुलाव को इस तरह से दम लगने देंगे। इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे तो कुकर में भी बहुत बढ़िया और परफेक्ट रूप से बनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को अपने आप ही ठंडा होने देंगे। अब हम दाल पुलाव के साथ खाई जाने वाली दाल की तैयारी करते हैं। ये भी मैंने तुअर की दाल ली है। ये लगभग 150 ग्राम दाल है। इसको भी 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। एक दूसरा कुकर लेंगे, उसके अंदर इस दाल को डाल देंगे। इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है ये भी डाल देंगे, और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग ये डालेंगे। लौंग डालने से दाल का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और कुछ बूंदे ऑयल की डालेंगे। इन सबको हमें बराबर से मिला लेना है। कुकर का ढक्कन लगा के दाल गलने तक हम इसे पकाएंगे। दाल को पकते हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को अपने आप ही ठंडा होने देंगे ताकि दाल अच्छे से गल जाए। अब हम मसाले की तैयारी करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, ये 1 बारीक कटी हुई प्याज है ये डाल देंगे। प्याज को हमें हल्की सी गुलाबी करना है, तब तक इसे भून लेंगे। प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। 1 कटी हुई हरी मिर्च ये डालेंगे, 2 बारीक कटे हुए टमाटर ऐसे भी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। हम नमक दाल में भी डाल चुके हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये मैंने कुछ सूखे मसाले लिए, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी है ये डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे।
इन सब मसालों को हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, ढक्कन ढक के पकाए ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। मसाले को चेक करेंगे, हमने इसको 3-4 मिनट पकाया अच्छे से। ये देखिए टमाटर भी बढ़िया से गल चुके हैं। इसको इस तरह से चम्मच का जो पीछे वाला भाग है इस तरह से मैश कर लें। ये मैंने 150 ग्राम उबला हुआ मटन लिया। अगर आप मटन नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर सकते हो। बस ये जो मसाला है ये दाल में डाल दें, और दाल में एक उबाल लिया है तो आपकी बिना मटन की दाल तैयार हो जाएगी। मैं इसमें मटन डाल रही हूँ। मटन को मसाले के अंदर 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मटन और मसाला सब अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। इसको भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे यानी भून लेंगे। अब हम दाल को चेक करते हैं। दाल अच्छे से गल गई है। इसको एक विस्कर की मदद से इस तरह से घोट लेंगे। आप चाहें तो इसको चम्मच से भी घोट सकते हैं। अब हम इसमें भुना हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को दाल में अच्छे से मिला लें। हमने जिस कढ़ाई में मसाला भुना था उसी में थोड़ा 1 गिलास जितना पानी डाल दिया, ये इसमें ऐड करेंगे। पानी को भी अच्छे से मिला, दाल को हम गैस पे चढ़ा देंगे। दाल में हमें अच्छे से बॉईल लाना है, तब तक इसको पकाएंगे ताकि सारे मसाले दाल मटन सब एक सर के हो जाए। दाल में अच्छे से उबाल आ चुका, इसको हमने 3-4 मिनट अच्छे से उबाल लिया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने धो के और काट लिया था। दाल तैयार हो चुकी है। अब हम दाल पुलाव को देखते हैं। कुकर अपने आप ठंडा हो चुका है। ये देखिए कुकर के अंदर भी दाल पुलाव कितना बढ़िया बना है। अब हम इसे सर्व करते हैं। पुलाव के ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे। दाल में भी थोड़ा सा बिरस्ता डाल देंगे यानी तली हुई प्याज डाल देंगे। ये देखिए अहमदाबाद का फेमस तुअर की दाल का पुलाव और गोश्त वाली तुअर की दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।